अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया ख़ान है और मैं amana.com से हूँ। आज मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी उसका नाम आर्केडिया है। और आर्केडिया के इंट्रोडक्शन में जाने से पहले मैं गुलबर्ग ग्रीन्स का एक ओवरव्यू देना चाहूंगी, क्योंकि आर्केडिया उसके मेन मरकज़ में लोकेटेड है। गुलबर्ग ग्रीन्स एक इस्लामाबाद की रिहायशी सोसाइटी है और ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने व्यूज़ और उसके अलावा अपनी लोकेशन की वजह से एक काफ़ी वेल नोन सोसाइटी है इस्लामाबाद की। और इसकी इस सोसाइटी के अंदर तमाम स्कूल्स, तमाम फैसिलिटीज़ जो कि ज़रूरत होती है लोगों को, वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, और उसके अलावा जितनी भी इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें की ज़रूरत होती है, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, डाइनिंग हॉल्स वगैरह, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और अपनी इसकी एक लोकेशन की वजह से ये बहुत एक वेल नोन सोसाइटी है। और उसके अलावा ये एक बहुत खूबसूरत सोसाइटी भी है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में सारी सिर्फ ग्रीनरी है। और ना कि सिर्फ ग्रीनरी बल्कि उसके अलावा इसकी लोकेशन ऐसी है कि जितनी भी मेन रोड्स हैं वो उससे कनेक्टेड हैं, जैसे कि जीटी रोड है, कश्मीर हाईवे, इस्लामाबाद मोटरवे, सारा कुछ इसके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, इसके काफ़ी करीब है। अब बात करते हैं आर्केडिया के बारे में। ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं और लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। इसकी अब डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो उसका डिज़ाइन विक्टोरियन मॉडर्न स्टाइल पर बेस्ड है। बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि ये अपने रेजिडेंट्स और विजिटर्स को एक लग्जरी और एक कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें, और ये इनका मेन गोल है। इसके अलावा इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, सब कुछ इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मौजूद है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मास्टर प्लान के बारे में। इसके मास्टर प्लान को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये अपने जो भी विजिटर्स हैं और रेजिडेंट्स हैं उनको एक कम्फर्ट और लग्जरी प्रोवाइड कर सकें। सो बेसिकली इसके लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शॉप्स लोकेटेड हैं, और शॉप्स का साइज़ काफ़ी स्पेशियस है। और इसके अलावा भी अगर लोग आप लोग चाहें जो कि बायर्स हैं वो इसके साइज़ को एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको मर्ज करके, उसको कस्टमाइज़ करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। और उसके अलावा जो उसका सेकेंड फ्लोर है वहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिसेज लोकेटेड हैं, उसमें भी कस्टमाइजेशन की ऑफ़र मौजूद है, जिसमें अगर आप लोग चाहें तो उसके साइज़ को बड़ा करने के लिए, मज़ीद स्पेशियस बनाने के लिए, वैसे तो ऑलरेडी इसके साइज़ अच्छे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप मज़ीद इसको बड़ा करने के लिए दो ऑफिसेज़ को आपस में मर्ज करके इसको मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। और अब आते हैं थर्ड फ्लोर की तरफ। इसका जो थर्ड फ्लोर है, जो कि इस बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर है, वो अपार्टमेंट्स के ऊपर है। बेसिकली इनके जो अपार्टमेंट्स हैं वो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। और इसके अलावा इसमें भी कस्टमाइजेशन की ऑफ़र मौजूद है कि अगर आप लोग चाहें तो आप अपार्टमेंट्स के साइज़ को बड़ा करने के लिए 3-4 बेडरूम अपार्टमेंट बनाने के लिए आप उसको आपस में मर्ज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें, इसकी सराउंडिंग में स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हेल्थ केयर सेंटर्स, ग्रोसरी स्टॉप्स, शॉपिंग मॉल, सब कुछ मौजूद है। और इसके अलावा इसमें इनके जो अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज, कॉर्पोरेट शॉप्स और अपार्टमेंट्स हैं, इसमें ये लोग कस्टमाइजेशन की भी एक ऑफ़र देते हैं, जिसमें आपके पास ये चॉइस है कि आप कस्टमाइजेशन के थ्रू अगर आप चाहें तो अपने ऑफिसेस के और अपने शॉप्स के साइजेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आप दो शॉप्स को, दो अपार्टमेंट्स को या दो ऑफिसेस को मर्ज करके अगर आप उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो वो ये ऑफ़र भी देते हैं। और उसके अलावा हमारे ओपिनियन में ये एक इस्लामाबाद का एक दूसरा बहुत बड़ा हब बनने वाला है, और ये उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि अपने नए ऑफिसेज खोलना चाहते हैं, अपनी नई शॉप्स खोलना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी ऑफ़र है, क्योंकि ये इसकी लोकेशन की वजह से हमें उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने का बाइस बनेगा ये प्रोजेक्ट। अब आर्केडिया की लोकेशन की तरफ आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आर्केडिया गुलबर्ग ग्रीन्स के डी मार्केट्स के मेन बुलेवार्ड में लोकेटेड है, और इसका जो साइट हेड ऑफिस है वो भी इसके साथ ही लोकेटेड है। अब हम NOC की तरफ आते हैं। तो आर्केडिया एक कम्प्लीटली लीगल प्रोजेक्ट है। इनको गुलबर्ग ग्रीन्स की तरफ से ऑलरेडी NOC इशू हो चुका है, और CDA की तरफ से भी, तो ये एक कम्प्लीटली लीगल प्रोजेक्ट है। अब अगर हम डेवलपर्स के बारे में बात करें तो ये ज़ैन बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है। ज़ैन बिल्डर्स के और भी दो वेंचर्स हैं, सिटी हाइट्स और मैनचेस्टर रॉयल के नाम से। और बेसिकली ज़ैन बिल्डर्स पाकिस्तान में एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फर्म बनना चाहते हैं, और ये लोग ये करके दिखाएंगे अपने प्रोजेक्ट को टाइमली लोगों तक डिलीवर करके।
अब हम आर्केडिया की प्राइस प्लान की तरफ आते हैं। इनकी बुकिंग 25% से स्टार्ट हो जाती है और उसके अलावा अगर आप मज़ीद डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं तो आप amana.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर अब मैं आपको उसके बुकिंग प्लान के बारे में बताऊंगी और बुकिंग के जो भी इनकी मिनिमम मैक्सिमम प्राइसेस हैं उसके बारे में अब हम कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लोअर ग्राउंड की अगर बात की जाए तो पर स्क्वायर फीट साइज़ की जो प्राइस है लोअर ग्राउंड पे वो है 32,000। इसका मिनिमम साइज़ स्टार्ट होता है 188 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम साइज़ इसका जाता है 317 स्क्वायर फीट तक। और मिनिमम साइज़ की जो इसकी प्राइस है वो है 60,16,000 और मैक्सिमम लोअर ग्राउंड की जो प्राइस है वो जाती है 1,01,44,000 तक। और ये लोअर ग्राउंड बेसिकली शॉप्स के लिए रिजर्व ग्राउंड है। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर की तरफ आते हैं। पर स्क्वायर फीट साइज़ जो के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर की जो प्राइस है वो है 45,000 और मिनिमम इसका साइज़ स्टार्ट होता है 188 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम जाता है 415 स्क्वायर फीट तक। और जो मिनिमम 188 स्क्वायर फीट की जो प्राइस है वो है 84,60,000 और मैक्सिमम 415 स्क्वायर फीट की जो प्राइस है वो है 1,86,75,000 और ग्राउंड फ्लोर भी बेसिकली शॉप्स के लिए ही रिजर्व है। अब आते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है वो है 32,000 और इसका मिनिमम साइज स्टार्ट होता है 201 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम जाता है 286 स्क्वायर फीट तक। और जो 201 मिनिमम साइज़ की जो प्राइस है वो टोटल प्राइस है वो है 64,32,000 और मैक्सिमम 286 स्क्वायर फीट की जो साइज की जो प्राइस है टोटल प्राइस वो है 91,52,000। और इनका जो फर्स्ट फ्लोर है ये भी शॉप्स के लिए ही रिजर्व्ड है। अब बात करते हैं सेकंड फ्लोर के बारे में। और सेकंड फ्लोर में जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है वो है 18,000 और ये बेसिकली कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए रिजर्व्ड है। और इसका जो मिनिमम साइज़ है वो स्टार्ट होता है 367 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम साइज़ इसका जाता है 620 स्क्वायर फीट तक। और 367 फीट की मिनिमम की जो प्राइस है टोटल प्राइस वो है 66,60,000 और जो इसकी मैक्सिमम 620 स्क्वायर फीट की प्राइस है वो है 1,11,60,000। अब इसका जो लास्ट फ्लोर है जो कि अपार्टमेंट्स के लिए रिजर्व है, अब इसके बारे में बात करते हैं। और इसके जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है वो है 8,500 और इसके मिनिमम साइज़ जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 479 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम जाता है 711 स्क्वायर फीट तक। और मिनिमम 479 स्क्वायर फीट की जो टोटल प्राइस है वो है 40,71,500 और मैक्सिमम जो इसका साइज़ है 711 स्क्वायर फीट उसकी प्राइस टोटल प्राइस है 60,43,500। अब डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डेवलपमेंट स्टेटस के हिसाब से आर्केडिया का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी खड़ा हो चुका है और इसका ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऑलरेडी वो कंप्लीट हो चुके हैं और उनका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। इसका जो लास्ट फ्लोर है थर्ड फ्लोर, उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2022 ये अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे। अब इस वीडियो की एंड की तरफ आते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी और आप लोगों के इससे जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकता है तो फील फ्री टू शेयर। और उसके अलावा लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।